टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो भैया अगर आपका बजट 15,000 है, 15,000 के बजट रेंज में आप एक फुल लोडेड स्मार्टफोन चाहते हो, जिस पर अगर आपने व्लॉगिंग भी करनी है, सिनेमैटिक भी शूट करना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, टिकटॉक बनाना चाहते हो, या अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शौकीन हो, या अगर आप फोटोज़ क्लिक आउट करने के ज़्यादा ही शौकीन हो, मतलब कैमरे के अकॉर्डिंग अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए 15,000 के बजट रेंज में, मैं आज आपको बताऊंगा टॉप थ्री नहीं बताने वाला, टॉप फोर बताऊंगा। बात करते हैं सीधा नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूं, नंबर फोर पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M21 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, आपको सही प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है, कलर वगैरह लुक वगैरह आपको पसंद आने वाली है। सैमसंग ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आप इनडोर यूज़ करते हो या आउटडोर यूज़ करते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाली। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कैमरे के साथ साथ भी अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाली है। प्लस आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जितना भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, वीडियो शूट करना चाहते हो, फोटो शूट करना चाहते हो, आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो, आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी मतलब एक दिन तो आपका नॉर्मली निकाल देगी, जैसे भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, आपको Exynos 9611 देखने को मिल जाता है, जो कि इतना तगड़ा प्रोसेसर नहीं होता, सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैक कैमरे में आपको जो कैमरा क्वालिटी आपको गुड देखने को मिल जाती है, लेकिन फ्रंट कैमरा इसका किसी काम का नहीं है, मैं आपको सच बताऊँगा, झूठ नहीं बोलने वाला। तो भाई अगर आप सैमसंग लवर हो, या फिर अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आप अच्छी फोटोज़ लेना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, टिकटॉक बनाना चाहते हो, एंड अगर आपका बजट 15,000 है, आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M21 प्लस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी के बैंक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने चेकआउट करने भाई आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है रेडमी नोट 10 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, यह तीन कलर्स में देखने को मिलता है, सभी कलर इसको बहुत सूट करते हैं, एंड बैक साइड में जो कैमरे की शेप है ना, वो भी इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिलेगा, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी 30 FPS पर। प्लस मैं आपको सेंसर की बात करूँ, आपको सोनी IMX582 देखने को मिलता है, सॉरी पहले गलत बोलने लगा था, आपको सोनी IMX582 देखने को मिल जाता है। प्लस आपको 30 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें प्रोसेसर आपको इतना ही तगड़ा देखने को मिलता, दैट्स वाई इसको मैंने नंबर थ्री पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। आपको 11 nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस जो है प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा। फ़ोन जो है वो 3 वीडियो में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको तगड़ी मिल जाती है। इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो भी आप देख लेना, अगर आपको रेडमी नोट 10 पसंद आता है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फ़ोन बताऊंगा, वो इससे भी पूरे लोडेड होने वाले हैं। प्लस भी मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, रेडमी नोट 10 को देखना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना वगैरह चाहते हो, तो लिंक वगैरह इसका भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, दिल खोल के देख सकते हो, भाई कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। मैं जितने भी आपको फ़ोन बता रहा हूँ, या तो वो नए लॉन्च हुए हैं, प्लस जितने भी मैं आपको फ़ोन बता रहा हूँ, वो कैमरे के अकॉर्डिंग बहुत अपर होने वाले हैं। इसका बैक कैमरा बहुत सही है, लेकिन फ्रंट कैमरा आपको 30 MP मिलता है, जो कि इतना भी खास नहीं है, लेकिन जो मैं आगे बताऊँगा वही और भी अच्छे होने वाले हैं। आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर यार मैंने रखा है Poco X2 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले कई बंदों को इसके जो कलर्स या जाए इसका डिज़ाइन है, कई बंदों को पसंद आएगा, कई बंदों को शायद पसंद ना भी आए, लेकिन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड जो है स्मार्टफोन है, ठीक है। आपको 6GB विंड के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 15,000 के बजट रेंज में मिल जाएगा। आपको IPS LCD देखने को मिलती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी साथ में देखने को मिल जाती है, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करती है, इसका प्रोसेसर तगड़ा है। अगर आप कैमरे के अकॉर्डिंग तो स्मार्टफोन चाहते हो, उसके साथ साथ आपको प्रोसेसर भी तगड़ा चाहिए, आपके लिए ये स्मार्ट फोन परफेक्ट डील हो सकता है। आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। फोन जो है वो 3 वेड में देखने को मिलेगा, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको इसमें सोनी IMX686 सेंसर देखने को मिलेगा, तो बैक कैमरा इसका बहुत ही ज़्यादा अपर है। प्लस आपको डुअल सेल्फी फ्रंट में देखने को मिल जाती है, तो भी अगर आप फ्रंट में सेल्फीज वगैरह लेने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए भी ये जो स्मार्टफोन है परफेक्ट डील होने वाली। आपको 20 MP प्लस 2 MP डुअल सेल्फी देखने को मिल जाएगी, 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 27W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। 3 कलर्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है, भाई जो भी कलर
आपको सूट करता है या जो भी कलर आपको पसंद आता है आप उस कलर की और जा सकते हो। अभी माइनस पॉइंट एक रह गया, तो माइनस पॉइंट की बात करूँ तो यार जो फ़ोन है ये प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है, तो आपको केस डालकर इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैच वगैरह होने से डर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इसका प्राइस आता था 16,000 के बजट में या 17,000 के बजट में, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया आपको 40,999 के बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लिंक मैंने प्रोवाइड किया, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। अगर आपको कैमरे के रिलेटेड चाहिए, प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, स्टाइलिश या प्रीमियम कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। बहुत लोगों ने पसंद किया एंड बहुत ही लोगों ने इसको परचेज किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो ये फ़ोन है ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो ग्रे कलर आता है वो इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। फ़ोन जो है वो 3 वेड में देखने को मिलता है, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। कैमरे की बातों को कोर कैमरा मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी, 5020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर आपने शूट करना है, सिनेमेटिक शूट करना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के भी, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे आपको कई फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके फोटोज़ को वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत आगे तक लेकर चले जाते हैं। मैं आपको डीपली इसीलिए नहीं बता रहा बिकॉज यार वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, उसका कोई भी फायदा वगैरह नहीं होता, सो दैट्स वाई मैं आपको कट करके ही बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको टॉप 4 जो है स्मार्टफोन बता दिया, एक आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बता दिया, 3 मैंने आपको बता दिया, अगर आपने उनके और जाना है आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो भाई अगर मेरा बजट 15,000 होता ना तो भाई मैं जाता रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स कर, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड है, कलर डिज़ाइन वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही है। तो भाई अगर आपका भी बजट 15,000 है आप जा सकते हो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की ओर। लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ, अगर आपने चेकआउट करना भी आप चेकआउट भी कर सकते हो, अगर आपने परचेज करना आप परचेज भी कर सकते हो, भी पैसे आपके यहाँ जैसे दिल करता है कर सकते हो। अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।